और जैसा कि हम नरेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, तो आज हम उस नरेशन में आगे वाला टॉपिक करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में नरेशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे उस नरेशन वाली स्पीच के अंदर जब टाइम और प्लेस संबंधी वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको चेंज कैसे किया जाता है, ये सब सीखा था। लेकिन आज की क्लास में हम उससे एक स्टेप आगे सीखेंगे कि कैसे हम टेंस संबंधी परिवर्तन नरेशन के अंदर करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये नरेशन वाला टॉपिक समझ ही रहे हो, तो आप रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, जिससे क्या होगा कि आप लोग भी नोट्स उतार लोगे और आप लोगों के लिए भी ये समझने की में आसानी रहेगी। अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ टेंस संबंधी रूल पढ़ेंगे कि टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे करते हैं हम। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने तो अभी खाली एक एग्जाम्पल लिखा है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर हमको यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस अगर नजर आ जाए तो हम क्या करेंगे कि उसको रिपोर्टेड क्लोज के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मधु सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो से है ये क्या है, अपनी वर्ब है, तो वर्ब के अंदर एस आई एस लगा, दैट मीन्स ये अपना प्रेजेंट टेंस है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे कि मधु सेज का सेज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेज के बाद में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए सेज। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगी तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, दैट, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट दैट शी क्या है अपना थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि अपना था कौन से टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए हमने इसको रिपोर्टेड क्लोज में कोई चेंज नहीं किया है, खाली कनेक्टिव दैट लगाया है और पूरा सेंटेंस एज इट इज वैसा का वैसा होता रहे, ओके। अब अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रिया विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार अनु इज इनोसेंट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे क्योंकि इसके अंदर अपना फ्यूचर टेंस दे रखा है, सिंपल फ्यूचर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, विल आ गया है और वर्ब में आया है अस ए वाई से, तो ये क्या फ्यूचर टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए कि प्रिया विल से एज इट इज ऐसा कैसा ही उतारना है अपन को कि कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट अनु इज इनोसेंट। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ही हैज सेड आई एम ऑनेस्ट। तो इसके अंदर देखिए बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब उसके अंदर टेंस में क्या दे रखा है, हैज प्लस सेड दे रखा है, जो कि अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए कि बाहर तो अपन कोई परिवर्तन करेंगे ही नहीं, ही हैज सेड क्योंकि अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का एक टाइप आ गया है, एक तरीके से यहां पर कनेक्टिव आ जाएगा दैट। अब आई क्या है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज इंटू सब्जेक्ट, तो यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट बाहर क्या है ही, तो ही इज हिम, और आई का फॉर्म क्या होता है आई माई मी, तो यहां पर ही अपनी फर्स्ट फॉर्म है, तो आई की फर्स्ट फॉर्म को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर चेंज होके फर्स्ट पर्सन चेंज इंटू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो यहां आ जाएगा ही दैट ही। अब एम को चेंज कर देंगे इज में, क्यों, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है और ही के साथ में क्या आता है इज, तो यहां पर आ जाएगा इज ऑनेस्ट का ऑनेस्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, विचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स या इडियम हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है अपन ने कि द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको चेंज करते वक्त कैसे करेंगे, द टीचर सेड द सन Rises in the east। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, मदर सेड
कॉमेमोरेटेड कॉमर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो ये समझ लेते कि अपना हिस्टोरिकल फैक्ट है, भारत ने आजादी 1947 में ही प्राप्त की थी। इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे, मदर सेड दैट इंडिया क्या है नाउ, इसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब हम सीखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी है तो रिपोर्टेड क्लोज को किस प्रकार चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में दे रखी है और रिपोर्टेड क्लोज अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। यदि अपने रिपोर्टेड क्लोज के अंदर डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। डिड के साथ हमेशा याद रखिए, चाहे कोई सा भी आपका ग्रामर का टॉपिक हो, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि डिड एज अ मेन वर्ब भी काम करती है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है। वैसे ही डू और डज भी एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है, मोहन सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट हरी टेल्स ए लाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेड डू दे रखा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस दे रखा है, बाहर पास्ट टेंस है कि नहीं है, और अंदर क्या दे रखा है, टेल्स, टेल वर्ब है जो अपनी उसमें एस या ईएस लगा है, यानी कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में। इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल को, मोहन सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, मोहन टोल्ड मी, कनेक्टिव बचेगा दैट, हरी क्या है नाउन, तो एच कैपिटल ही आएगा हरी, टेल को चेंज किसमें कर देंगे, टेल्स को चेंज किसमें करेंगे अपन, टोल्ड में, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, टोल्ड एट लाइक। अब इसी का सेकेंड एग्जांपल है, सीता सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा राम डज नॉट टेल ए लाई। तो यहां पर क्या देखा है, बार पास्ट टेंस दे रखा है, तो इसको चेंज करेंगे, सीता टोल्ड मी दैट राम डज नॉट चेंज इन टू डिड नॉट। तो यहां पर क्या जाएगा, डिड नॉट, टेल का टेल ही रहने वाला है क्योंकि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज अपन को करना है, डिड नॉट टेल ए लाई। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर अपन को रिपोर्टेड क्लोज में दे रखा हो और पास्ट टेंस अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा हो तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर अपन को इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर नजर आ रहा है और बाहर पास्ट टेंस नजर आ रहा है तब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, रोहन सेड आई एम प्लेइंग द गिटार नाउ। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें तीन चीजें मैंने साथ में एड कर दी है। अब हम इस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा है और ये भी ध्यान रखना कि सेड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम सेड को सेड ही रखने वाले हैं। तो रोहन सेड कनेक्टिव बचेगा दैट। अब यहां देखिए कि फर्स्ट फॉल अपन को क्या नजर आ रहा है, आई, आई क्या अपना फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट क्या है बाहर रोहन, तो रोहन के लिए अपन कौन सा प्रोनाउंस यूज में देने वाले, ही। यहां पर क्या जाएगा, दैट ही। अब अंदर क्या दे रखा है, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, आई इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो अपन इसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट टेंस है बाहर, इसको अपन चेंज कर देंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहां पर ही अपन ने लगा दिया और एम को किसमें चेंज कर देंगे अपन, वाज में, क्योंकि ही क्या है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या चाहिए, दैट ही वाज प्लेइंग द गिटार नाउ। को किसमें चेंज करना है अपन को, देन में, क्योंकि ये समय सूचक शब्द प्लेस संबंधी शब्द है यहां पर, तो नाउ को किसमें चेंज करेंगे अपन, देन में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो, रिपोर्टेड क्लोज में अपन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा हो तो हम उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में
काम में लेते हैं और हैव का प्रयोग अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम में लेते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। कैसे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंगुलर और प्लूरल के साथ में अपन को हेड का ही प्रयोग करना होता है। ये एग्जाम्पल अपन ने लिखा है कि ही सेड कॉमा नेटेड कॉमा स्टार्ट ही हैज बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे ही सेड that he क्या है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो he का he रहेगा, that he has को किसमें चेंज करेंगे अपन हेड में, तो he had bought a new car yesterday को चेंज करेंगे अपन the previous day या फिर the day before। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे the previous day a new car the previous day। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सिंस का प्रयोग अपन करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का प्रयोग अपन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि सिंस का प्रयोग हो गया निश्चित समय के लिए, फोर का प्रयोग हो गया अनिश्चित समय को इंडिकेट करने के लिए। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो किसमें कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें आ जाएगा अपने हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फिर फोर। एग्जाम्पल अपन ने लिखा है कि दे सेड कॉमा नेटेड कॉमा स्टार्ट The boys have been living in the house for 5 months। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा they said that the boys का the boys ही रहने वाला है क्योंकि ये थर्ड पर्सन में काउंट हो जाते हैं। The boys have को चेंज कर दिया अपन ने हेड में, had been living in the house for 5 months। अभी तक तो हम ये चेंज कर रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस दे रखा हो, रिपोर्टेड क्लॉज में प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो हम उसको पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। वो कैसे कि यदि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो, रिपोर्टेड क्लॉज में भी अगर पास्ट टेंस दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन उसको देखते हैं पहले कि रिपोर्टेड क्लॉज में अगर पास्ट टेंस दे रखा है और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में भी अगर पास्ट टेंस दे रखा है, तो हम इसको चेंज किसमें करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अपन ने यहां पर देखे पहले कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, तो ये चेंज किसमें जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें चेंज होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अपन ने लिखा है कि सोनम सेड कॉमा नेटेड कॉमा मधु रोट ए लेटर। यहाँ पर भी पास्ट टेंस अपन को नजर आ रहा है वर्ब में और यहाँ पर भी रोट में, यानी कि ये जो वर्ब है इसमें भी अपन को पास्ट टेंस नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोनम सेड, सेड का सेड ही रहेगा, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज आपको पता होगी, दैट मधु क्या है अपनी नाउन, मधु रोड को किसमें चेंज करोगे आप सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर क्या जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे पहले हेड, रोड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न, तो यहां पर आ जाएगी रिटर्न ए लेटर। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अपन को पास्ट टेंस दे रखा है, रिपोर्टेड क्लॉज में अपन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मूला रहता है अपना वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसको अपन चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां पर देखिए एग्जांपल अपन ने लिखा है ही सेड कॉमा नेटेड कॉमा स्टार्ट इट वाज रेनिंग, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट इट वाज, यहां पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि चेंज होगा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर वाज को रिमूव करके अपन क्या लिखेंगे हैड बीन, तो यहां पर आ रहा है हैड बीन रेनिंग। अब यदि वाक्य के अंदर यानी रिपोर्टेड क्लॉज के वाक्य के अंदर अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आ जाए, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ जाए, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो हम उसमें नो चेंज करेंगे।
ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमको नजर आ जाए किसमें रिपोर्टेड क्लोज में, जो कि हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर दे रखा है, तो उसमें भी हम नो चेंज ही करेंगे, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपने स्पीच वाले डायरेक्ट वाक्य के अंदर विल या शेल नजर आ जाए तो हम उसको चेंज कर देंगे वुड और शुड में, कैन को चेंज कर देंगे अपन कुड में, मे को चेंज करेंगे अपन माइट में, विल या शेल हैव बीन को चेंज कर देंगे वुड या शुड हैव बीन में चेंज, विल या शेल हैव को चेंज करेंगे अपन वुड शुड हैव में। ऐसे ही जो है मस्ट, मस्ट को अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मस्ट को वैसे तो मस्ट ही रहने देते हैं लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसको हैड टू या फिर वुड हैव टू में परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल अपन ने लिखा है संध्या सेड कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट मोहित विल गेट द जॉब, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जहां पर भी वाक्य के अंदर अपन को विल शेल वुड ये नजर आ जाए तो ये अपने क्या होते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले संध्या सेड दैट मोहित विल को चेंज कर देंगे अपन वुड में, वुड गेट द जॉब। यदि वाक्य के अंदर अपन को कुड वुड माइट शुड ऑट टू नीड नॉट यूज्ड टू डेयर एंड आदि मॉडल्स व हेड बेटर नजर आ जाए तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास तक कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी पेन हाथ में रखिए, ये नोट्स जो मैंने यहाँ पर बनवाए हैं ये आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है? थैंक यू।